हेलो दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सऊदी आ गए लेकिन हमें सऊदी में काम कैसे करना है, और काम में सबसे पहली बात कि हमें कफील का लैंग्वेज समझ में नहीं आता। सही बोल रहा हूँ ना? नंबर वन चीज़ यही है कि यार कफील तो अरबी में बात करेगा और हम हिंदी में बात करेंगे। कफील अरबी में बोलेगा, हमको हिंदी में समझ में आएगा, अरबी तो समझ आएगी नहीं, तो हम कैसे समझेंगे? तो वीडियो देखिए आप, ठीक है? मिलते हैं। 1 2 3 जावेद ब्लॉग में आपका स्वागत है। आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं 10 लाइन जो बोलूंगा ना आपको, 10 बातें बोलूंगा जो कि आम है, जो कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात क्या है कि कफील अगर आपको बुलाता भी है, या अल्लाह ठीक है, या अल्लाह मतलब कि आओ, ठीक है, ये आपको मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, मतलब कि आप किसी के भी इशारा से समझ जाओगे कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, राइट? इशारा तो आपको पता है ना कि अगर हमको कोई गूंगा मिलता है, गूंगा मान लो कि मैं गूंगा हूँ थोड़ी देर के लिए और सामने वाला कफील भी गूंगा है, तो दोनों गूंगा अगर हम इशारा से बात करेंगे तो हमें तो समझ में आ जाएगा कि हमें क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। थोड़ी देर के लिए वो बोलेगा कार, मतलब कि गाड़ी स्टार्ट करो, गियर वाली गाड़ी है, चलाने आती है, ठीक है। सबसे पहले तब मिलेंगे कफील से तो बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम अस्सलाम बोलने का है। वो बोलेगा कैफ हाल, तो बोलने का गुड, आई एम गुड, ओके। और सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है, वो कुछ भी बोले ओके आपको बोलना है, भले धीरे से भी बोलो लेकिन ओके बोलना है। अरबिक में तैयब, ठीक है, अगर मुस्लिम भाई हो तो पहला कलमा तैयब, ठीक है, तो तैयब बोलना है और ओके बोलना है। वो कुछ भी बोलता हो, क्योंकि ओके अगर मैडम बोले तो या कफील बोले तो, मैडम बोले तो या कफील बोले तो आपको ओके बोलना है। ऐसे कि लोग क्या सोचेंगे पता है कि यार कुछ बोल नहीं रहा है, एटीट्यूड वाला है, ऐसा है वैसा है, अपने को क्या, गाड़ी चलाते रहो, ओके ठीक है। कफील सबसे पहले आपसे बोलेगा सलाम अलैकुम करना है, कैसे हो, ठीक हो, गुरफा रूम बोलते हैं, बेत मतलब कि घर, ठीक है, कार, सैयारा गाड़ी को बोलते हैं, शुगल सैयारा गाड़ी स्टार्ट करो, ठीक है, चेक कफर, टायर चेक कर लो, कफर मतलब टायर होता है, ठीक है, चेक जेत इनका मालूम, चेक जेत मतलब कि इंजन का ऑयल को जेत बोलते हैं, जेत मतलब कि आप जब पहली बार आते हो कफील के पास में तो आपको सबसे पहले, अगर हम ड्राइविंग बेस पे आ रहा हूँ, मैं भी ड्राइविंग बेस का बता रहा हूँ, दूसरी बार बताऊँगा, क्योंकि कंपनी का लैंग्वेज अलग होता है और हाउस ड्राइविंग का लैंग्वेज अलग होता है। मालूम है ना, घरेलू की बातचीत घर की तरह होती है, बाहर की बातचीत बाहर की तरह होती है, ठीक है। तो अगर हम हाउस ड्राइविंग में आते हैं तो कफील आपको गाड़ी देगा, गाड़ी को बोलेगा कि टायर चेक कर लो, आपको पहले ऑयल चेक कर लेने का है, गाड़ी साफ़ सुथरी कर लेने की, अंदर से बाहर से पूरा साफ़ सुथरा कर लेना है, ठीक है। मैडम आपका सिम दे या मोबाइल दे, आपसे बात करेगी, आपको बोलेगी, कॉल करेगी, मोहम्मद या जावेद या जो भी है, शगल सैयारा, आपको अपने गाड़ी में आकर के गाड़ी स्टार्ट करके बैठ जाना है, शगल सैयारा स्टार्ट द कार, ठीक है, या अल्लाह रो चलो, ठीक है, यमीन रूह मतलब जाओ, यमीन मतलब राइट, ठीक है, ध्यान से सुन लो, यमीन मतलब राइट, यसार मतलब लेफ्ट, ठीक है, यमीन राइट को बोलते हैं, यसार लेफ्ट को बोलते हैं, अंडरस्टैंड, सीधा को सीधा बोलते हैं, पीछे को वरा, ठीक है, बैक साइड को बारा बोलते हैं, रिवर्स को रज्जा, वापस करना मतलब रज्जा, ठीक है, अगर कोई हम सामान भी लाते हैं वापस करना है तो रज्जा, ठीक है, अभी समझ में आ गया। शुगल सैयारा, गाड़ी स्टार्ट करो, यमीन मतलब राइट, यसार मतलब लेफ्ट, सीधा मतलब सीधा, रिवर्स मतलब वरा, ठीक है, आगे देखो सोफ गिद्दाम, गिद्दाम मतलब आगे, ठीक है, मैं बड़े आराम से समझा रहा हूँ, बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, आप लोग भी बड़े ध्यान से सुन लो, गाना समझ करके इसको 50 बार रिकॉर्डिंग करके मोबाइल में आप वीडियो देखो
ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही जानने की काम जानने वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको वक्फ, वक्फ सैयारा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी मतलब सैयारा, वक्फ मतलब रोको, ठीक है, गाड़ी रोको, ठीक है, या अल्लाह रो, चलो चलो, हर बात में ना यहाँ पे लोग या अल्लाह ज़्यादा यूज़ करते हैं, या अल्लाह मतलब चलो 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 जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। या अल्लाह का बहुत सारा मीनिंग निकलता है, लोग बहुत सारा मीनिंग निकालते हैं, बट यहाँ पे या अल्लाह जैसे बोलते हैं ना, हाँ चलो ठीक है, हाँ यार ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो, ऐसे अपने यहाँ बोलते हैं ना, तो यहाँ पे या अल्लाह ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप घर पे, खाने को अक्किल बोलते हैं, अक्किल, ठीक है, खाने को अक्किल बोलते हैं, पानी को माया बोलते हैं, ठीक है, पानी पीने वाले पानी को माया बोलते हैं, ठीक है। सोना को नोम बोलते हैं, आप सोना है तो नोम, माफ़ी नोम, माफ़ी मतलब नहीं नहीं, ठीक है। जैसे बोलेंगे यार मोहम्मद मोहम्मद इंता माफ़ी नोम, तो अरबिक में बोलेंगे मोहम्मद तुम सोए नहीं, ठीक है, मोहम्मद इंता, इंता मतलब तुम, ठीक है। अगर लेडीज़ होगी तो इंती, अगर मैं मैडम से बात करता हूँ, जैसे मान के चलो मैडम ने कोई काम दिया तो मैं बोलूँगा मैडम, मैडम को मैडम बोलेंगे, अगर मैडम थोड़ी उम्र दराज है तो मामा बोलेंगे, ठीक है। कफ़ील भी सेम, अगर कफ़ील थोड़ा स्मार्ट है तो सर बोल देंगे चलेगा, या बाबा भी बोल देंगे, बाबा नॉर्मल है यार, बाबा बोलने से बहुत फ़ायदे होते हैं, ठीक है, बाबा बोलने से क्या रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है उनको, तो थोड़ा हमारे लिए भी सोचते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अगर मान के चलो कि क्या बोलते हैं नमाज जाना है नमाज के लिए, तो नमाज को ना यहाँ सलाह बोलते हैं, इंता माफिरु सलाह, मतलब तुम नमाज नहीं जाते हो, इंता अफगा अफगा। अब देखो जैसे मैं बोलता हूँ कि मैडम को बोलूँगा मामा या बाबा मेरे को पैसा चाहिए, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे अरबिक में, मामा या बाबा आना मुझे अफगा चाहिए, मतलब ऐसे बोलेंगे आना अफगा फलूस, फलूस मतलब पैसा होता है, ठीक है, फलूस मतलब पैसा, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। इसके बाद मुझे सैलरी, मेरी सैलरी कितनी है, या मेरी सैलरी कैसी है, या मेरी सैलरी क्या है, तो शॉर्टकट में बोलूँगा आना कम रातिब, कम मतलब कितना, रातिब मतलब सैलरी, ठीक है। देखो वन को वाहिद बोलते हैं, टू को इतनेन बोलते हैं, थ्री को तलाता बोलते हैं, फोर को अरबा बोलते हैं, फाइव को खमसा बोलते हैं, सिक्स को सित्ता बोलते हैं, सेवन को सबा बोलते हैं, एट को तमानिया बोलते हैं, नाइन को तिसा बोलते हैं, ठीक है, नाइन को तिसा बोलते हैं, और टेन को अशरा बोलते हैं। एक से लेकर दस तक की गिनती पूरी सीख लो, इसके बाद आपको पूरी गिनती आ जाएगी, एलेवन एदास, ट्वेल्व इतनास, थर्टीन तलतास, फोर्टीन अरबतास, फिफ्टीन खमसतास, सिक्सटीन सबतास, तो ऐसे ही हो जाएगा आपको, ट्वेंटी तक चले जाओ, ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री की कवाहिद सीन तलब इतने नसरीन तलाता सीन, ठीक है। ये पूरी एक से लेकर दस तक की गिनती मैंने बता दी है, ये गिनती सीख लो आपको पूरी आ जाएगी, दस को अशरा, बीस को अशरीन, तीस को तलातीन, चालीस को अरबईन, पचास को खमसीन, साठ को सित्तीन, ठीक है, साठ को सित्तीन, और अभी तो इतना, ये इतना काफ़ी है, इतना जो है आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है ना, और आगे बोलूँगा आप लोग के, अभी ये नॉर्मल चीज़ें मैंने बता दी आपको, ठीक है। अब जैसे बोलती है मैडम, बोलती है फ़ोन करके कि मुझे ना तुम 6 बजे सुबह में हाजिर रहना ड्यूटी पे, ठीक है, 6 बजे आ जाना, 8 बजे आ जाना, तो एक से लेकर 10 तक की गिनती आपको किसी भी हाल में याद करनी है, मालूम है क्यों, क्योंकि वो अरबी में बोलेगी आपको, अगर ज़्यादातर अरबी में बोलती है, इंग्लिश में ही बोलती है, तो इंग्लिश में आपको 1 2 तक ठीक मालूम हो जाएगा, बोल देगी 6 o'clock मॉर्निंग आई गो, तो अरबिक में बोलेगी मतलब कि मुझे 6 बजे सुबह में जाना है, तो तुम रेडी रहना, ठीक है, ठीक है। तो अरबिक में आपको ये 1 से लेकर 10 तक मैंने बता दिया है, ये आप सीख लो अच्छे से, ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ मैंने बताई आपको। और एक बात और बताना चाहूँगा, हम नए नए आ जाते हैं ना यहाँ पे, तो हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, डर रहता है यार कोई गलती ना हो जाए, डर रहता है यार कुछ भूल ना जाए, डर रहता है यार गाड़ी ठुक ना जाए, डर रहता है यार कि कोई बात ना मुँह से निकल जाए,
ये सारे डर को घर पे छोड़ के आओ, यहाँ पे आकर के रिलैक्स रहो, अब माइंड फ्री रहो, जो सामने वाला अरबिक बोल रहा है ना उसकी अरबिक पे पूरा ध्यान दो, उसकी अरबिक आपने सीख ली ना भाई साहब, आपसे बढ़ के कोई नहीं है यहाँ पे, एकदम रिलैक्स रहो यार बिंदास, ठीक है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मैंने थोड़ी बहुत अरबिक सिखा दी आप लोगों को, तो ये आपके बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट में मेरे को दोबारा से बोलोगे कि जावेद भाई इससे ऊपर की अरबी भी सिखाओ, मेरे को सीखनी है, तो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने बस ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दी क्योंकि मेरे एक दोस्त आए हैं तो उनको भी यार वो मेरे को बोल रहा था जावेद भाई थोड़ी बहुत अरबी बता दो यार, समझ में नहीं आता, वीडियो में बता दोगे ना तो मेरे को समझ में आ जाएगा, ऐसे फ़ोन पर समझ में नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए चैनल पे। अगर आप चैनल पे नहीं आए हैं मेरी वीडियो देखने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको, आप तक पहुँचाता हूँ, ऐसी वीडियो YouTube पे कोई नहीं लाता है सिवाय मेरे जावेद के अलावा, ठीक है। तो लव यू यारो, दिल से शुक्रिया, बने रहिए, भाई को प्यार दीजिए, लव यू। तो कैसे हो यारो, आप लोगों की वीडियो कैसे लगी, शुक्रिया। चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लें और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों को, ताकि वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए। और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और दिल से प्यार दीजिए भाई को, लव यू, थैंक यू।